हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू दीप स्टोन एडवाइस। और आज हम एक ऐसे स्टोन की बात करेंगे, एक ऐसा स्टोन दिखाऊंगा मैं आपको जो वाइट कलर के अंदर बुक मैच मीन्स आप मार्बल के जैसा दिखता है। तो उसके बारे में आज थोड़ा सा हम जानकारी देंगे। तो वो कैसा स्टोन है, हार्ड है, सॉफ्ट है और कैसा दिखता है, तो उसके बारे में आज हम बताएंगे आपको कि स्टोन कैसा। आइए, इस ग्रेनाइट के बारे में मैं थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं आपको। ये जो ग्रेनाइट है इसको बोलते हैं ऑनेक्स वाइट ग्रेनाइट जो बिलोंग करता है ओडिशा आंध्रा बॉर्डर से। मोस्टली आप ओडिशा बोल सकते हो और आंध्रा बॉर्डर भी बोल सकते हो। मोस्टली ऑल जितने भी शोरूम वाले हैं वो ओडिशा ही बोलते हैं, तो मैं इसको मेंशन करूंगा ओडिशा का स्टोन है। दूसरा, इसका जो साइज है वो 4 फीट बाई 10 फीट है। 4 फीट इसका विड्थ है, लेंथ जो है वो 10 फीट है और दिखने में इतना ब्यूटीफुल दिखता है कि आप मार्बल को भूल जाओगे। ये जो है ग्रेन्स जो है इसका पूरा मार्बल के जैसा है और ये लगने के बाद में पूरा मार्बल लुक ही देता है। आपको एक फील आएगा कि हमने मार्बल फिटिंग करवाया है। ये टिपिकल ग्रेनाइट जैसा ग्रेन्स नहीं है। और ये स्टोन जो है, ये स्टोन आप देख सकते हो, इसका जो स्ट्राइप्स जो है, डिज़ाइन जो है, पैटर्न जो है वो पूरा यूनिफॉर्म पैटर्न है। और इसकी जो ग्लॉसीनेस जो है वो भी बहुत अच्छी है। और ये मिरर फिनिश स्टोन है। और इसका जो प्रोसेस जो है उसको बोलते हैं लाइनर पॉलिश। लाइनर पॉलिश क्या होता है? लाइनर पॉलिश वो होता है जो कंप्यूटराइज प्रोसेस होता है, जो मैनुअली प्रोसेस नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं लाइन पॉलिश या कंप्यूटराइज प्रोसेस। तो इसको लगाने के टाइम में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये जो स्टोन है लगने के टाइम में बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज इसका जो फिटिंग है, इंस्टॉलेशन है, वो पूरा डिपेंड करता है इंस्टॉलर के ऊपर। और इसका लाइफ जो भी है वो होता है फिटिंग के ऊपर। अच्छा फिटिंग होगा तो उसका लाइफ भी बहुत अच्छा मिलता है। इसीलिए हमेशा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आप ये कॉस्टली स्टोन जो है फिटिंग करवाते हो, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छा इंस्टॉलर चाहिए, बहुत अच्छा मिस्त्री चाहिए जो फिटिंग करके अच्छा दे और उसका लाइफ बहुत अच्छा दे। क्योंकि ये जो स्टोन्स है ये सभी आपको वाइट सीमेंट में फिटिंग करना पड़ता है। वाइट सीमेंट कंपलसरी लगता है, बिना वाइट सीमेंट के आप ये इसको फिटिंग नहीं कर सकते। कर सकता है बट फिर भी नहीं कर सकते, इन द सेंस वाइट को वाइट के साथ में ही फिटिंग किया जाता है। वही 4 फीट जो अभी दिखाया मैंने, उसी के अंदर अभी आपको मैं 3 फीट का ब्लॉक दिखा रहा हूँ। इसमें ग्रेन्स चेंज है बट इसका साइज जो है 3 बाई 8 फीट। इसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स आते हैं, ज़्यादा लेंथ में ये स्टोन नहीं मिलता है और ज़्यादा इसमें पीसेस भी नहीं आते। एक ब्लॉक में मोस्टली 1500-1200 स्क्वायर फीट का लॉट्स होता है। तो ये जो स्टोन है मैंने आपको 3 फीट में भी दिखाया, 4 फीट में दिखाया। अभी मैं दिखाता हूँ गैंग्सो स्लैब। गैंग्सो स्लैब क्या होता है? इसी के अंदर ये गैंग्सो स्लैब है, मीन 6 फीट बाई 10 फीट। इसको बोलते हैं गैंग्सो साइज। एक होता है गैंग्सो साइज, एक होता है मिनी गैंग्सो साइज, एक होता है वर्टिकल। तो ये है गैंग्सो साइज। इसमें देखो आप कितना ब्यूटीफुल दिखता है। लगने के बाद में आप कोई भी ये नहीं बोल सकते कि आपने ग्रेनाइट फिट किया है, सभी बोलेंगे कि मार्बल ही फिट किया है। तो ये इसके बारे में आज मैंने डिटेल दी है आपको। ये सभी वाइट में बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तो आपको हर एक स्टोन का डिटेल मिलेगा। अब ये स्टोन हार्ड है या सॉफ्ट है, तो ये स्टोन जो है वाइट कैटेगरी के अंदर हार्ड स्टोन है। वाइट कैटेगरी के अंदर हार्ड स्टोन है ये जो मैंने बताया आपको, उसको बोलते हैं ऑनिक्स वाइट। तो मैंने जैसे आपको इन्फॉर्मेशन बताई, ये इन्फॉर्मेशन इसलिए मैं बताता हूँ क्योंकि हर जगह पे आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। स्टोन तो मिलता है बट उसका पक्की इन्फॉर्मेशन, पक्की जानकारी हर कोई देता नहीं है। इसीलिए ये वीडियोस बनाने का मेरा जो यूज़ है वो है कि आपको सही से अच्छे से स्टोन मिले और उसकी जानकारी भी अच्छे से मिले। और भी बहुत सारे वीडियोज़ है जो फिटिंग होने के बाद में ग्रेनाइट कैसा लगता है वो भी इसके अंदर वीडियो है, तो वो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकॉन दबाना पड़ेगा, इसलिए आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। न्यू वीडियोस अपलोड करूंगा तो आपको वो भी देखने को मिलेगा। तो ये जितने भी मैंने जानकारी दी है वो सिर्फ आपके लिए ही है। आप इसको लीजिए, यूज़ कीजिए और कहीं से भी आप अगर परचेस करते हो तो परचेस करने में ये बहुत आपको बेनिफिट देगी। ये छोटी छोटी जानकारी है क्योंकि हर कोई ग्रेनाइट की जानकारी आपको देता नहीं है। तो इसीलिए मेरा ये वीडियोस बनाने का रीज़न यही है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किए कि हमको पूरी एक एक स्टोन का वीडियो बनाएं, सिंगल सिंगल वीडियो बनाइए जिससे हमको पूरी जानकारी मिले। तो आज के लिए ऑनेक्स वाइट ग्रेनाइट के बारे में मैंने बताया। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, उनको देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा वीडियो। और अगर किसी को हेल्प चाहिए तो आप उसको शेयर भी कर सकते हो ये वीडियोस, जिससे आपके फ्रेंड को हेल्प मिल सके। तो जितना से ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना उनको हेल्प मिलेगा। तो जैसे मैंने आज स्टोन के बारे में जानकारी दी, और भी
स्टोन है जिसकी जिसका मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। और भी अगर आपको जानकारी चाहिए किसी भी स्टोन की तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। और किसी भी स्टोन के बारे में आपको पता करना है तो एक व्हाट्सअप मैसेज भी आप मेरे को कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगे और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।